सो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। ओके सो आज मौसम भी बढ़िया है और आप लोग बढ़िया होंगे। ओके सो आज फिर से मैं एक नया ब्लॉग लेके आया हूँ। सो मेरी आवाज़ में कुछ डिफरेंट लग रहा होगा बिकॉज मुझे सर्दी हो गई है, बीच में तबीयत थोड़ी ख़राब थी, फीवर वगैरह था, बट अभी थोड़ा ठीक हूँ मैं, इसीलिए ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे और प्लस मेरा स्कूल भी स्टार्ट था तो स्कूल भी मैं जाता था। ओके सो आज छुट्टी मिली है, फुर्सत से ब्लॉग बना रहे हैं। सो आज का टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे थंबनेल और टाइटल में देख के कि मैं आज अपना घर दिखाने वाला हूँ अपने ब्लॉग में सेकंड टाइम। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बट वो मैं पब्लिश किया था बट उसको कुछ रीजंस के वजह से मैंने प्राइवेट उसको कर दिया। तो जो लोग देखे होंगे सही है, 100-150 लोग देखे भी थे और उसके बाद मैंने प्राइवेट कर दिया था। जो लोग नहीं देखे हो तो वो देख लो और जो लोग देखे भी थे वो भी देख लो क्योंकि अब चेंजेस भी आ चुके हैं मेरे घर में। ओके सो अब दिखाते हैं अपना घर। सो चलो चलते हैं और ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, चलो। ओके सो फिलहाल अभी मैं हूँ नीचे अपने मतलब घर में और ये है मेरा घर पूरा, फिलहाल देख सकते हो आप लोग। और आप लोगों ने जो ये थंबनेल में ये घर देखा मतलब ये मेरा ही घर है पूरा मिला के मतलब सब कुछ। सो इस घर में मतलब पहले ये यहाँ पे एक रूम नहीं था, ये फिलहाल अभी रूम बन चुका है छोटा सा। और ये आप लोग सोच रहे होंगे ये सब क्या है, तो मैं बता दूँ ये हमारा रूम नहीं है, ये है मुर्गी लोग का रूम। तो यहाँ पे भी अच्छी व्यवस्था है, ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखा दूँ, यहाँ सब मेरे दादू हैं जो मतलब बहुत सारे पेड़ लगा के रखे हुए हैं। सो ये काफ़ी अच्छा काम है। ये है मैंगो यानी कि आम का पेड़, यह है नींबू का पेड़, ये भी नींबू, ये भी नींबू, ये भी और ये आम का पेड़ है, ये भी नींबू, और उधर है पपीता और इधर है केला बनाना। एंड ये बहुत पुरानी साइकिल है डूड, और एक साइकिल और है लैंड रोवर, वो भी पड़ी हुई है फ़िलहाल। सो इसका ब्लॉग नहीं देखे हो अगर चैनल खोलो जाओ जल्दी ब्लॉग देखो, लैंड रोवर का मैंने ब्लॉग बनाया ऑलरेडी। अभी फ़िलहाल मैं ये चलाता हूँ होंडा साइन, और ये मेरे पापा की गाड़ी अभी ख़राब होके पड़ी है करिश्मा। तो हमारे पास चार गाड़ियाँ हैं, एक चाचू चलाते हैं मुंबई में KTM ड्यूक 200, और एक है एक्टिवा, और ये जनरेटर है जिससे अगर कभी लाइट बाय चांस कट वट जाए तो जनरेटर चालू करके हैंडल मार के। तो यही सब है इधर, और चलते हैं अभी ऊपर छत पे एंड देखते हैं। मेरा रूम नहीं है, पापा का रूम है। सो इसकी हालत थोड़ी ठीक है इसीलिए मैं यहाँ पे व्लॉग शूट करता हूँ। ये देखो यहाँ पे मतलब मेरा सेटअप रहता है, यहाँ पीछे चाचू का प्ले बटन में रखे रहता हूँ, और ये मैंने जुगाड़ से वो बनाया था तो लाइट वगैरह बनाया हुआ था ताकि लाइटिंग में दिक्कत ना हो बंद कमरे में जब मैं यहाँ पे बैठ के शूट करता हूँ स्टूल पे, यहाँ ये टूल पे बैठ के मैं यहाँ पे शूट करता हूँ, और ये पीछे का बैकग्राउंड रहता है। सो ये था मेरा स्टूडियो ही समझो, ऐसा थोड़ा बहुत मैंने बनाया है, और बाकी सब एडिटिंग वगैरह तो कहीं भी हो जाती है बेड पे लेट के और कहीं भी। और अभी फ़िलहाल ऊपर चलते हैं, ये है सीढ़ी मतलब एकदम टॉप पे हम लोग जा रहे हैं जहाँ से मेरे गांव का पूरा व्यू दिखता है। देखो देखना चाहोगे व्यू पूरा, मेरे गांव का व्यू पूरा दिखता है डूड, ये देखो क्या औसम नज़ारा है। मतलब जब कुछ मन नहीं करता है ना यहाँ पे मैं भाग के चले आता हूँ मतलब अपने टेरिस पे छत पे यानी कि, तो यहाँ काफ़ी मज़ा आता है। ओके सो फिलहाल बस इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं। आई होप कि आप लोग को मज़ा आया हो, अगर मज़ा आया हो तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक सिर्फ देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ब्लॉग्स आते रहेंगे अच्छे अच्छे आगे फ्यूचर में। सो तब तक के लिए बाय बाय, और अगर आप लोगों को मेरे गांव का व्लॉग भी चाहिए तो वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और कमेंट भी कर देना अच्छा सा। सो बस बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय बाय, बूम।
चक्कर आ गया, चक्कर आ गया।